जो महिला का सम्मान बहन के नाते सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रखती। एक बहन जब मंच के सामने से खड़े होकर बुलंद आवाज में बोलती है तो उसकी आवाज को और समर्थन देने के लिए स्वयं केंद्रीय मंत्री चुप हो जाते हैं। इसलिए आज इस मंच ने सुना किस प्रकार से आपने अनुराग जी को जय श्री राम कहा, इस मंच ने आज सुना कैसे आपने बलदेव जी को, रश्मि जी को जय श्री राम कहा, लेकिन इस मंच से लीला जी को जय श्री राम। मैं अंदर बटन दबती हूँ खिलते हुए कमल पे फूल वाले हाथी और हाथ मत समझना। जय श्री राम जी, हम तन मन धन से बात करते हैं कि मुझे लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि बहुत जल्द टिकट मांगने लीला जी आने वाली है। जिस हर्ष और उल्लास के साथ बहनें यहां उत्सव का माहौल लेकर आई, जिस सम्मान के साथ अनुराग ठाकुर जी ने आज इस कार्यक्रम में मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, इस सम्मान को देखते हुए मन में एक प्रश्न जागा है। बहने मात्र अनुराग ठाकुर की है ऐसा नहीं, हमसे उम्र में थोड़े बड़े लेकिन देश की राजनीति में जो युवराज कहलाए जाते हैं वो कुछ अमेठी से ऐसा निकले कि अब भी भारत घूम रहे हैं। फर्क यह है अनुराग ठाकुर और अमेठी के पूर्व सांसद में कि अनुराग ठाकुर अपने राजनीतिक कार्यक्रम में अपनी बहनों का सम्मान करना नहीं भूलते, बहनों से कदम मिलाकर चलना नहीं भूलते, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आजकल बेटे के प्रति ज्यादा प्रेम है, बेटियां यात्रा से लुप्त हो चुकी हैं, अब झगड़े उनके घर के हैं, हमसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते हम इस बात का गौरव करती हैं कि चाहे हमारे जिला का अध्यक्ष हो, चाहे हमारा सांसद हो, भारतीय जनता पार्टी वो परिवार है जिसमें भाई और बहन कदम से कदम मिलाकर प्रदेश और राष्ट्र को विकसित, समृद्ध, स्वस्थ और सामर्थ्य की दृष्टि से परिपूर्ण करने के लिए विकास की एक अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। बलदेव जी ने आज इस मंच से कहा कि जय घोष कुछ ऐसा हो कि आवाज दिल्ली तक जाए। बलदेव जी थोड़ा बगल में देख लीजिए, दिल्ली आपके साथ बैठी। बलदेव जी की मंशा और इच्छा ये कि प्रदेश में, जिले में काम हो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये खबर पहुंचे। लेकिन बलदेव जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी ताकत ये कि बिगुल चुनाव का बजे या न बजे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व सदैव कार्यकर्ता के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और विपदा की घड़ी में जब नेतृत्व छोटे से छोटे कार्यकर्ता का साथ न छोड़े,
बनता है कि ऐसे परिवार को संगठित और संरक्षित रखने के लिए हम दिन रात मेहनत करें। आज बहनों के मध्य में यह बात मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि चुनाव की रणभूमि पर हमारे सामने अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। झाड़ू वालों का तो कब सफाया हो गया पता ही नहीं चला। चुनाव आया नहीं दुकान बंद कर दी और दुकान बंद करके ताला लगाने वालों में से एक का नाम अनुराग ठाकुर जी, जिस पार्टी का मैं उल्लेख कर रही हूं। आज उस पार्टी का कोई हश्र देखे तो क्या है। 2019 का लोकसभा का चुनाव कुछ ऐसा हारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी को फिर भी उदारता दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी हार गए, भारत के इतिहास में आज तक कभी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं हारा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के साधारण महिला कार्यकर्ता ने हराया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। 19 में हारे और अब तक अपना अध्यक्ष चुन नहीं पाए। 19 में चुनाव हारे और अब तक ये तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन है जो अपनी पार्टी को नेतृत्व देने में असमर्थ है। वो हिमाचल प्रदेश को नेतृत्व क्या खाक दे पाएंगे। इसीलिए हिमाचली इलेक्शन के वक्त पोलिंग बूथ पर जाएंगे और हां लीला जी कमल का बटन भी दबाएंगे। जैसे अनुराग जी ने कहा धमाल बूथ पर करेंगे, अब लगता है अनुराग जी धमाका जिले में करने का इनका प्लान है। लेकिन ये शहरी में जिस शहरी में एक बहन अपनी भावना को व्यक्त कर रही है उस शैली के पीछे सामर्थ्य क्या है, सोच क्या है, प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं मैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और इसके गवाह मात्र में और अनुराग नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने देश की संसद में और दिल्ली की सड़कों पर उन लोगों का समर्थन किया जिन्होंने नारा दिया भारत तेरे टुकड़े हो गए। देश का एक नागरिक पूछता रहा कि चुनाव में इंदिरा गांधी भी हारी थी लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी हिंदुस्तान के टुकड़े होने की कल्पना नहीं रखी। ऐसा क्यों है कि ये कल्पना राहुल गांधी ने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत की और उस कल्पना का समर्थन किया। बहनों के मध्य में प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रही हूं। अनुराग ठाकुर ने आज उल्लेख किया साल 2011 की उस यात्रा का जब तिरंगा थाम कर कलकत्ता से निकले थे कश्मीर के लिए क्योंकि पथराव होता था उन लोगों पर जो हिंदुस्तान की वर्दी पहनते थे, मौत के घाट उतारे जाते थे। जम्मू कश्मीर में वो लोग जो तिरंगे का मान करते थे, पथराव की राजनीति बंद हो, हिंदुस्तान बुलंद हो, हिंदुस्तान की सेना की जय जयकार हो,
ये संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं का हमेशा रहा। आज बहनों के बीच प्रतिज्ञा शब्द का इस्तेमाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी के सामने हमने चुनाव लड़ना है प्रदेश में, उस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की सेना के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया। इसलिए आज इस वीर भूमि की वीर माताओं और बहनों से कहने आई हूं कि अगर दम है तो प्रतिज्ञा लो कि जिस कांग्रेस पार्टी के नेता ने हिंदुस्तान की सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, हिंदुस्तान के टुकड़े हो ऐसी बातें देश की राजधानी में कही, ऐसे गद्दारों की पार्टी को एक वोट बढ़ से नहीं जाएगा। यह खेल सत्ता का नहीं, यह संकल्प सियासत का नहीं, यह प्रतिज्ञा है उस प्रदेश की, जिस प्रदेश में कई माओं ने अपने कोख से जन्मा ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया ताकि हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, बहने बहुएं बेटियां हमारी इज्जत से जी सके। इसे आज बहनों से कहती वो सत्ता के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम विकास की यात्रा को समर्पित हैं, वो अपने फायदे के लिए यात्रा कर रहे हैं, हम जनसेवा के लिए संकल्प कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की दौड़ में है और हम सीना तान कर कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ही प्रधान सेवक है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसलिए आज प्रतिज्ञा का दिन है। प्रतिज्ञा किसलिए? मोदी जी के लिए, मात्र भाजपा के लिए नहीं बल्कि हर उस परिवार के लिए जो भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है, जिसके सहयोग से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और जिनके आशीर्वाद से एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कुछ लोग कहते हैं रिवाज नहीं, मैं जब पहली मीटिंग में आई हिमाचल प्रदेश में चुनाव की इस पूर्व बेला में, मैंने कहा रिवाज बदल देंगे क्योंकि जब अमेठी से लड़ी तब लोगों ने दिल्ली से कहा रिवाज नहीं है जी, यहां पर राहुल गांधी को ही वोट डालते हैं, तब भी मैंने कहा था रिवाज बदल देंगे। आज भी कहती हूँ रिवाज बदल देंगे, रिवाज बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। और इसके पीछे मंशा क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी समर्पित है कि हर नागरिक का संरक्षण हो, हर नागरिक को सहयोग मिले। आज हम इस मंच से माया जी की माया का उल्लेख कर रहे हैं बार बार, बलदेव भाई का उल्लेख कर रहे हैं बार बार, लेकिन हिमाचल प्रदेश की हकीकत यह भी है कि 32,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से समूह की 2.5 लाख बहनें आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 25,000 रुपए का वन टाइम रिवॉल्विंग फंड पाती है। एक ऐसी सरकार जहां मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से गरीब बेटियों का कन्यादान होता है, 10-11 हजार का शगन देकर नहीं, कितने का शगन है लीला जी? 51,000 रुपए का शगन देते हैं मुख्यमंत्री जी गरीब की बेटी को। मात्र कन्यादान का नहीं,
मुख्यमंत्री जी की शगुन योजना भी है 31,000 रुपए की। हमारे घरों में बेटी का कन्यादान जो करता है वो भाई माना जाता है, परिवार का बड़ा माना जाता है। बेटियों को जो शगुन देता है, अरे जो बेटी को शगुन दे, जो बेटी का कन्यादान करे, उसका ऋण परिवार जीवन भर नहीं उतार पाते। हम तो उस परिवार के कार्यकर्ता हैं, जनता से कहेंगे हम तुम्हारे ऋणी हैं कि हमको ये पुण्य काम करने का अवसर आपने जनता जनार्दन ने दिया। इस बात की इस मंच से रश्मि जी ने कहा, जननी जन्मदायिनी महिला को जब देखते हैं तो अन्नपूर्णा की कल्पना होती है, लक्ष्मी की कल्पना होती है, और लक्ष्मी की कल्पना के पीछे तात्पर्य क्या होता है? हम कहते हैं लक्ष्मी घर आए तो घर में अनाज की कभी कमी नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का ये गौरव है कि लक्ष्मी घर आई और 25 महीने से ज्यादा मुफ्त का अनाज मोदी के राज में लेकर आए। दिल पर हाथ रखकर बहने कहें, अगर केंद्र में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब को 25 महीने मुफ्त का राशन घर पर मिलता? दिल पर हाथ रखकर कहें, कोविड की इतनी बड़ी बीमारी आई, एक एक इंजेक्शन 600 रुपए का है, दो दो डोज लगे मुफ्त के, बूस्टर लगा मुफ्त का, अरे 1500 से ज्यादा रुपए की वैक्सीन मुफ्त में मिल गई। लक्ष्मी से यही तो स्वास्थ्य का संरक्षण मांगते। और दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से, अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, तो गरीब माताओं बहनों और गरीब परिवारों को क्या मुफ्त का इंजेक्शन मिलता? नहीं मिलता। पैसा ठूस कर अपनी तिजोरी भर लेते, लेकिन गरीब को मरने के लिए मजबूर कर देते। दोपहर का समय है, बहनों की रसोई के साथ साथ शाम की क्या तैयारी करनी है, कुछ बहनों के मन में ये भी चलता होगा। एक तैयारी ये होती सुबह उठकर कि सूरज कब अस्त हो, गरीब की बहन बहू बेटी पत्नी खुले में शौच के लिए जाए। एक चिंता ये भी होती गरीब के घर में कि पानी की किल्लत है, घर का पानी कैसे भरा जाए। जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो मात्र 1-2 लाख घर के नल के लगवाए, और भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में 8 लाख घर के नल के कनेक्शन लगवाए। बहनों को ये संख्या इसलिए बतला रही है क्योंकि बूथ पर जाकर लीला जी जैसा उत्साह तो होना चाहिए, लेकिन साथ में एक एक आंकड़ा लेकर जाएं, एहसास दिलाएं कि पिछली बार 400 से रह गए थे, 250 थे कि 400 थे, उस एक एक वोट की कीमत अदा की है इस विधानसभा की जनता ने। दोबारा ये गड़बड़ आज ये प्रतिज्ञा लेकर जाना है। इस मंच से आज अनुराग जी ने उल्लेख किया कि डबल इंजन की सरकार को लेकर आना है। अनुराग जी, आपके भाषण में एक संशोधन करना चाहती हूँ, 3रा इंजन बड़सर से लगाना चाहती हूँ। 3रा इंजन लग जाएगा। बहनों से पूछ रही हूं,
पानी। तो बटसर से तीसरा इंजन लग जाएगा, डबल इंजन के साथ साथ तीसरा इंजन लग जाएगा, कमल का फूल खिल जाएगा। खिलेगा खिलेगा खिलेगा। हमराज जी ने कहा था सारी जगह देख के बोल देना हमराज जी, और के तो कह रही हां जी, पुरुष ना कह रहे हां जी, भाइयों से भी पूछ रही हो जाएगा हो जाएगा। ऊपर बैठे भाई साहब पूछ रहे दिख रहे दिख रहे। तो भाई और बहन दोनों से पूछ रही हूँ, तीसरा इंजन बड़सर से लग जाएगा।